तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज दूसरा दिन कह सकते हैं हम, जो हम धान लगाने जा रहे हैं। कल हम ट्रैक्टर लेके आए थे सोनाली का, लगभग 3 बजे के आसपास, 4 बजे खेत पे पहुंचे थे और आधा गड़ा जो है, जो पानी भर गया था उसको हमने मचा दिया था, मतलब पडलिंग हो गई थी। और अब जो है लेबर लेके जा रहे हैं और ये पर व्यक्ति के हिसाब से नहीं है, अपना बीघा के हिसाब से पैसा दिया जाता है, इसलिए कॉस्टिंग जो है फ़र्क नहीं पड़ता कि लेबर कितनी है। तो वीडियो में बने रहना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। और ये रास्ता देख लो, नहर का अभी पानी इतना नहीं गिरा है, बारिश होती है और सालों की अपेक्षा तो खूब पानी पानी हो जाता है और नहर में भी थोड़ा थोड़ा पानी दिखता है जो कि अभी तक नहीं दिख रहा है। तो ये हम लोग आ गए हैं खेत पे और रात भर में पानी इतना ही भर पाया है, देख लो। और ये जो सामने खेत है ना, बढ़िया धान हो गई है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आज मचाएंगे। कितने आदमी है टीका दादा? 10 आदमी जो फार्म तक जो लगा बन। अच्छा, तो भैया 10 आदमी हैं और टीका दादा कह रहे हैं दिन भर में ये वाला गड़ा जो है लग जाएगा। सामने आ रहा है आइसर 485। ये वही है जब ये अपना सोनाली का एक बार खुज गया था, तो इसकी जो वीडियो है आपको प्रमोद लाइव पे देखने को मिलेगी। ये सामने जो पानी भरा दिख रहा है ना, ये वाले खेत में ये लोग आए हैं। ये रखी टिकट आ रहा है शर्ट। पौने 11 बज रहे हैं अभी और पौध फट रही है, उसके बाद लगाएंगे। और इन लोगों का दावा है कि ये दिन भर में ये वाला गड़ा जो अपन ने कल मचाया ये लगा देंगे और कल नेक्स्ट डे में दूसरा वाला लग जाएगा जो कि अपन आज मचा देंगे। और बारिश शुरू हो गई है, ये देखो पानी आ गया हल्का हल्का, बहुत तेज़ नहीं है पानी, लेकिन ये तेज़ हो जाएगा क्योंकि अभी फ़ोन आया था विदिशा में पानी काफ़ी तेज़ गिर रहा है, इसी के लिए आज नया छाता लेके आया हूँ मैं, क्योंकि कल बहुत बुरी तरह बिक गया था। तो भैया आइसर 485 से ये लोग जा रहे हैं बगल वाला खेत मचाने, तो अपन भी चलते हैं, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है पडलिंग में। और इसमें कैच भी लगे हैं, फंसने वाला टेंशन तो नहीं है, वो तो अपने सोनालिका में भी नहीं है घर बिना कैच व्हील के। और सोनालिका भी साथ में ही मचाई करेगा क्योंकि लाइट आने वाली है, 11 बज गए 1 घंटे में, जब तक इतने इतने में काम शुरू हो जाएगा। और इसकी छत टूट गई है, अपने को बदलवाना पड़ेगी, इसके ऊपर पानी भरा होगा। टापलिंग कस रखी थी, ताकत तब दिखेगी, अंतर पता चल जाएगा सोनाली का 60 और आइसर 485 में, ये बिना कैच व्हील के वो कैच व्हील के ना, इसमें
पानी कम है और मेड़ है इसलिए थोड़ा सा कम से चल रहा है। पानी में आते थे स्पीड बढ़ गई इसकी। दूसरे फेरे में पानी ऊपर चढ़ जाएगा है ना। सामने वाले खेत में आइसर 485 चालू हो गया है, चलो अपन देख के आते हैं। ये वाला जो 485 है ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल पुराना ही है, अभी नया लिया था उन्होंने। और खेत किस तरह का है वो भी दिखा देते हैं, कितना अंतर आता है 45 HP और 60 HP में वो देखने को मिलेगा अपने को आज। तो बहुत मज़ा आएगा, वीडियो में बने रहना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी उसको फॉलो कर लो, स्टोरीज वगैरह वगैरह फ़ोटो वगैरह डालते रहते हैं। और रूल्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लो, जैसे घूमने फिरने जाते हैं जो कुछ फैमिली ब्लॉग होते हैं वो मैं उस पर डालता रहता हूँ काफ़ी। अभी जैसे कि खजुराहो गए थे तो खजुराहो का जो है पूरा फुटेज मैंने डाला है, खजुराहो और पन्ना टाइगर रिज़र्व, वहाँ पर टाइगर्स वगैरह देखने गए थे तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये है इनका खेत। और एक कमाल की बात बताऊँ, ये खेत जो कि ये मैंने बोनी करी थी, अलग अलग दिख रही है जो है ना, ये खेत और अपना सोनाली का चल रहा है वो खेत, और ये तीन अलग अलग खेत हैं, इन तीनों का नाम लमिया है और पता नहीं क्यों ये इस टगर पे, मतलब हमारे गांव में आसपास के सभी गांवों में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि खेतों के नाम होते हैं इसके पीछे, पट्टी वाला, रांझ कारीगर, ये रंबादिया है ना, ऐसे नाम हैं, काफ़ी बढ़िया रहता है। सर इनके पास डुड़िया भी है, पुक-पुक कर रहा है, दब रहा है थोड़ा। रेड़ा दिख रहे हैं अपने में, नहीं दिख रहे थे। पानी काफ़ी है यार खेत में, ये खेत वहाँ तक है लेकिन पानी इतने इतने में ही है। इसमें और अपने सोनाली का में अंतर क्या है, वो बहुत तेज़ चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, थोड़ा दब के चल रहा है। तो पहले यही हो रहा था कि हम भी सोच रहे थे कि 485 से मचा के देखें, नया ट्रैक्टर है आजमाते हैं उसको, लेकिन सोचा फंस फुस आ गया तो साला टाइम और वेस्ट होगा,
फालतू में एक दिन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक दोपहर के बाद तो आए ही थे, उतने पे ट्रैक्टर फंस जाता तो ज़्यादा मुसीबत हो जाती। यहाँ से देखो धान, आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा, ये वहाँ तक करीब 500 फीट तक, उसके बाद थोड़ी सी अलग दिख रही है। ये आ रहा है पानी, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है, मोटर का है? सामने चल रहा है सोनाली का, स्पीड देखो आप, अंतर पता चल जाएगा दोनों में। ऊपर काली घटा, लेकिन पानी नहीं आएगा। भैया ये अंतर आपको दिख गया होगा कि बड़ी मशीन में और छोटी मशीन में क्या अंतर होता है, और इसीलिए मैंने 485 को सिर्फ अभी तो अपने टेस्टिंग के लिए चला रहे थे, रोटावेटर भी चलाया, सब कुछ चलाया, लेकिन बेसिक यूज़ जो है अपना थ्रेसिंग और ट्रॉली के लिए ही करेंगे उसको, क्योंकि अगर बड़ा काम करोगे तो फिर वो डीज़ल ज़्यादा खाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप बड़ी मशीन से बड़ा काम करोगे ना, तो वो कम डीजल में ज़्यादा काम करके देगी। ये कुछ चीज़ें हैं इसीलिए लोग बड़ी मशीन खरीदते हैं। अब जैसे वहाँ तो उस वाले खेत में तो काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन इसमें कम पानी है तो इसमें ये बहुत दबेगा, अभी भी दब के चल रहा है वो, और इसमें तो पता नहीं क्या होगा। और वहाँ देखो सोनाली का साठ क्या लपक के दौड़ रहा है, अभी वहीं चलते हैं अपन और देखते हैं कितना हो गया है खेत। और लगभग आधा घंटा हुआ है, सोनाली का साठ ने देखो आधा कर दिया खेत, यहाँ से शुरू किया था और उनने अभी दो चार चक्कर ही मारे हैं। जहाँ तक पानी है वहाँ तक तो कंप्लीट कर ही दिया है, और फिर मोटर चल जाएगी अभी 12 बजे के बाद। ये देखो इतनी पौध पड़ गई है, कुछ वो पड़ी है, ये पड़ी है, और अभी काम चल रहा है। जब तक पौध ये पूरी पटा लेंगे जितने इसमें लगना है, उसके बाद ही लगाई शुरू करेंगे, क्योंकि बार बार निकल के आना पटाना अच्छा नहीं रहता है। एक बार दिन भर का कोटा कर लो फिर ख़त्म। और मुझे भूख लग रही है, मैं आज पहली बार खेत पर टिफिन लेके आया हूँ, इसलिए मैं खाना खाऊंगा। तो ये लाइट आ गई है, 12 बज गए हैं, पानी चालू हो गया है, उसको होने पे जाना है ताकि मचा ही रह जाए, तो मतलब रह गई है वो हो जाए। पहले जग और चढ़ेगी ये सामने सीध में, फिर उधर पहुँचोगे, अलग दिख रहा है यार ऊंचा ऊंचा। तो दोपहर के 2:15 बज रहे हैं,
लंच कर लिया है इन लोगों ने और अब जाके ये धान जो है लगाना शुरू करेंगे उस कोने से, उस तरफ से इस तरफ लगाते हुए लेके आएंगे और जितना भी होगा उतना लग जाएगा, बाकी कल लगेगी। खेत में पानी थोड़ा ज़्यादा है, बहुत डूब रही है, देखो तुम्हें लगा रहे क्या टीका दादा? कम हो गए तुम तो। देखो भाई साहब कितनी तेज से लगा रहा है, ज्यादा भाई पानी ज्यादा है, कितना कम करना पहले बीच में ऊंचा आगे बीच में आपकी है। बेसिकली ये सिस्टम क्या होता है, पहले पटा ली फिर लाइन से बिछा दी फिर उसको लगाते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं और पौध को और पीछे की तरफ पटकते जा रहे हैं, सिंपल उसी तरह से चल रहा है। देखो यहाँ से शुरू करा और ज़रा सी देर में वहाँ पहुँच गए, अब इसको उठा के पीछे पटकते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है। 3:30 बज रहे हैं भैया और अब पानी आया है यहाँ पे, हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। जाने क्यों इस साल ऐसा हो रहा है कि यही गाँव बचा के पानी सब में गिर जा रहा है। तो भैया शाम के बज रहे हैं 5, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो विनोद_प्रजापति21 ID है और रूल्स ऑफ लाइफ को भी सब्सक्राइब कर लो, अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहते हैं और अभी तो कुछ समय से ज़्यादा ही बिजी चल रहे हैं इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही हैं, लेकिन आएंगी, थोड़ा समय मिले तो आएंगी उस पर भी। और अभी खेत के बीच में खड़े हैं अपन, यानी बीच में नहीं, थोड़ा और आगे जाएंगे तो लगभग यहाँ से आप देखोगे ना तो आधा लग गया है।